नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वान वार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानु चला। साथियों, आज के वीडियो हम जानेंगे लेटेस्ट अपडेट जहां निकल करके आ रही है कि मध्य प्रदेश के समस्त हाई स्कूल और एकीकृत हाई स्कूल में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षकों का युक्तिकरण होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अन्य जो यूडीटी है और माध्यमिक शिक्षक है, इनका भी सरप्लसीकरण होगा। साथ में यहाँ पर बता दे रहे हैं कि जैसे ही चुनाव कंप्लीट होता है तो उसके बाद सरप्लस की छड़ी चलेगी और सरप्लस शिक्षकों को आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। तो साथियों, ये एक बड़ी अपडेट है और साथ में यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जितने भी हाई स्कूल हैं, जो चाहे एकीकृत हो या फिर 9 to 10 जिनमें संचालित है वह हाई स्कूल हैं, तो उनमें जो पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में भेजने की कवायद प्रारंभ की जा रही है और इसका खाका तैयार हो गया है और यह जैसे ही इलेक्शन होते हैं उसके बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके बाद ट्रांसफ़र के रास्ते खोले जाएंगे और ट्रांसफ़र होगा। तो साथियों, एक बड़ी अपडेट है जहां सरप्लस टीचरों से रिलेटेड देखा गया है कि विभिन्न सब्जेक्ट के जो शिक्षक हैं वह हाई स्कूल में पदस्थ हैं और हाई स्कूल से अब इन्हें हायर सेकेंडरी में स्कूलों में भेजा जाएगा, आवश्यकता वाले स्कूलों में जहाँ पर पद रिक्त हैं और इन शिक्षकों की कमी है, तो ऐसे आवश्यकता वाले स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भेजा जाएगा जो अभी वर्तमान में हाई स्कूलों में पदस्थ हैं। साथ में यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि बहुत सारे शहरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है और सरप्लस में जो शिक्षक जा रहे हैं तो उन चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हों तो उन आवश्यकता वाले विद्यालयों में उन शिक्षकों को भी सरप्लस से युक्तिकरण किया जाएगा और आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सरप्लस से जो शिक्षक हो रहे हैं वो है जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं हाई स्कूलों में, वह तो भेजे ही जाएंगे। इसके अलावा अन्य जिन स्कूलों में ज़्यादा शिक्षक हैं तो वहाँ पर उन स्कूलों में, आवश्यकता वाले स्कूलों में वहाँ से भेजे जाएंगे। तो साथियों, ये थी एक बड़ी अपडेट। जैसे ही इलेक्शन होते हैं उसके बाद युक्तिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और उसके बाद ट्रांसफ़र होंगे। मिलेंगे हम अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।